हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे, बी सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में आपके सेकंड क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, नंबर्स अप टू 999। ओके, सो हमने उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, और आपने लास्ट क्लास 99 तक पढ़ा था, और इस क्लास में 999 तक पढ़ोगे। तो इस बुक का हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स का हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या यूज है, और हमने एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन भी किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, जिसमें ये आप दिख रहे पैरेट बना हुआ था, हमने इसके नंबर के नंबर नेम कन्वर्ट किए थे, और सेकंड क्वेश्चन में नंबर नेम टू नंबर कन्वर्ट किया था। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका राइट द मिसिंग नंबर, सेम है आपके बुक में, यही है, आपको बुक से भी करना है, बुक से भी देख सकते हो आप, और यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर लिखने हैं। इसमें आपके कुछ डायग्राम के थ्रू समझाया है, एप्पल्स बने हुए हैं और कुछ नंबर लिखे हैं, कुछ मिसिंग है, जैसे कि पहले एप्पल के अंदर 74, सेकंड में 75, थर्ड मिसिंग है, और जो फोर्थ है उसमें 77 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला मिसिंग है, सिक्स वाला मिसिंग है, और लास्ट में आपके सेवन जो एप्पल है इसमें 80 लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सेवन एप्पल के डायग्राम आपके बुक में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो वही मैंने एप्पल का डायग्राम बना दिया है सेवन, और इसके अंदर आपके थ्री एप्पल के जो काउंटिंग नंबर है वो मिसिंग है, ठीक है। तो काउंटिंग स्टूडेंट्स आप फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं, 100 तक, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो आपको काउंटिंग तो आती है ना, उसी काउंटिंग को फॉलो करते हुए हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है, मिसिंग नंबर कौन सा है। तो आपको काउंटिंग आती है 70 के बाद 71, 72, 73, यहाँ पे 74 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा 74, 75, 76। तो 74, 75, तो यहाँ पे क्या आएगा 76। नेक्स्ट नंबर जो है ये आपके ब्लैंक जो मिसिंग है इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये मिसिंग वाला एप्पल था। तो यहाँ पे आपके 76 आ गया, 77 गिवन है, जो नेक्स्ट नंबर होता है 76, 77 के बाद क्या आता है 78। तो 78 हमारा नेक्स्ट नंबर था, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये मिसिंग डिजिट थी, 78, 70। नेक्स्ट नंबर इज 79, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं मैं क्योंकि ये मिसिंग डिजिट है, और अगला नंबर 79 के बाद आता है 80, वो ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरह से आपने जो मिसिंग डिजिट फिल करी इस इन डायग्राम के अंदर, तो आपकी ये जो 74 to 80 का जो नंबर काउंटिंग था वो सीरीज कंप्लीट हो गई, है ना। तो इसी तरह मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा कुछ नंबर और मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको फिलहाल ये वाला काम सेम है अपनी बुक में और नोटबुक में नोट डाउन करना है, इसके अलावा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी आपको दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपके बुक में भी सेम यही है, मैंने इसको नोट डाउन करके रखा है, पहले क्वेश्चन है आपके यूज, यूज के बाद कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये आपको ऑलरेडी साइन वाइज लैंग्वेज कह रहा है कि यूज, आपको इन साइन का यूज करना है, और इनका यूज करते हुए ये जो बॉक्सेस दे रहे हैं इनमें इनको फिल करना है। अच्छा, इन साइन के बारे में आपको पता तो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज करोगे। तो ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको तो सब जानते हैं, ये इज इक्वल टू है, बराबर का साइन, यानी जब एक ही जैसा नंबर दोनों तरफ दिखाई दे तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं इज इक्वल टू। ओके, यानी बराबर, बट इसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि कौन सा साइन लगाए। तो बेटा इस साइन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये एक मतलब बर्ड की पीक की तरह होता है, चोंच की तरह, है ना, एक पक्षी की चोंच की तरह मानो उसको, जैसे पक्षी की चोंच आगे से नुकीली होती है ना, तो हम उसको पक्षी की चोंच की तरह हम उसको लेके चलते हैं। तो जिस तरह से ये नुकीली चोंच होती, जिस तरफ दिखाई दे आपको ये डायरेक्शन, इसका मतलब ये आपके स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ दर्शा रहा है, स्मॉल जो छोटा नंबर होगा उस तरफ हमेशा ये पीक रहेगी, ये जो चोंच है बर्ड की ये हमेशा किस साइड रहेगी, छोटे नंबर की तरफ, और जो चोंच में जो खुला हुआ मुंह है, जो आपको जो ये खुला हुआ मुंह दिख रहा है, तो ये डायरेक्शन हमेशा
बिग नंबर की तरफ रह रहे हैं यानी कि बड़े नंबर की तरफ। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू या आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं फिलहाल आपको एक छोटा सा पीक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक पैरट की आप चोंच पीक ले सकते हो, तो उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो नुकीला हिस्सा होता है उनकी चोंच का वो कहाँ रहेगा, हमेशा छोटे नंबर की तरफ और खुला हुआ हिस्सा बड़े नंबर की तरफ। तो हमें ये याद रखना है हमेशा, और उसी इसी आइडिया से आपको इन फिल को फिलअप को फिल करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है 81, एक तरफ है 91। तो आपको पता ही है कि 91 बड़ा होता है काउंटिंग में और 81 छोटा होता है, तो हमें इन दोनों में से कोई साइन यूज करना है। लेकिन हमने अभी अभी सीखा कि जो छोटा वाला मुंह होता है, जो छोटा जो चोंच की जो पीक होती है बर्ड की पीक, वो हमेशा छोटे नंबर की तरफ होती है। तो छोटा नंबर ये है, तो मैं इस पीक को इस तरफ कर देता हूँ। तो ये पीक किस तरफ दर्शा रही है, छोटे नंबर की तरफ, और जो पीक जो खुली हुई है चोंच बर्ड की वो किस तरफ है, बड़े नंबर की तरफ। तो इस तरह से हम एक पीक का एग्जांपल लेके इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं ना। तो हमने छोटे नंबर की तरफ पीक का डायरेक्शन रखा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखिए स्टूडेंट्स, 38 एंड 40। नेक्स्ट नंबर इज 38 एंड 40, दोनों में से छोटा 38 होता है ऑब्वियसली, बट साइन कौन सा लगाना ये ध्यान रखना है। तो साइन हमें वही आइडिया यूज करते हुए पीक बना देनी है छोटे नंबर की तरफ, उसकी नुकीली साइड जो है छोटे नंबर की तरफ रख देनी है। तो इस तरह से ये हमारा छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर को डायरेक्शन कर रहा है। अगर इसी प्रकार 40 यहाँ होता 38 यहाँ, तो ये पीक इस तरह से बनती। ओके, नाउ द थर्ड वन इज 96 69। कंफ्यूज नहीं होना है, 6 को यहाँ पीछे आगे कर दिया है, यहाँ पीछे है, बट नंबर को आपको पता ही है कि ये 90 की सीरीज का है, ये 60 की सीरीज का है। 96 इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन 69, तो 69 से बड़ा होता है। इस बार छोटा नंबर देखो, बाकी दोनों फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में छोटा नंबर जो था हमारे राइट हैंड साइड था, अब की बार जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ठीक है, छोटा नंबर। तो हम जो है इस बर्ड की पीक को इस डायरेक्शन में मोड़ देंगे, अब की बार उस तरह हम इसका नुकीला पॉइंट कर देंगे। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज 22 एंड अनदर 22, बोथ साइड आर राइट 22, हमने बोथ साइड 22 लिखा हुआ है। अच्छा 22 लिखा हुआ तो क्या करें सर, कौन सा नंबर बड़ा है, बट ये तो बड़ा है ही नहीं, तो दोनों बराबर है, 22 इज इक्वल टू 22। तो मैंने आपको बताया था ये जो साइन होता है इज इक्वल टू का होता है, मतलब बराबर का साइन, तो ये हमें दर्शा दिए साइन जब बन जाता है तो हमें समझना है कि राइट हैंड साइड आर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बोथ आर इक्वल, इस ये इक्वल का इक्वल शो करता है। ओके, तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको मैं वो एग्जाम्पल हटा देता हूँ, इसके अलावा आपको ये सारा काम जिस तरह से मैंने समझा है आपको अपनी बुक में और नोटबुक में इसी तरह नोट डाउन करना है। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा जो मैंने वर्क दिया था। अब जो मैंने आपको सिखाया है अभी आज की क्लास में उससे रिलेटेड सेम है, जो हमने दो क्वेश्चन किए सेम है, उसी टाइप के मैं दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, तो उसके मैंने कुछ डिजिट बदल दिए। इसमें आपको डायग्राम ही बनाना है, जस्ट पुट द मिसिंग वैल्यू इन अ ब्लैंक स्पेस, ओके, एंड देयर यू पुट साइन, यहाँ पर आपको साइन पुट करना है ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू का, सेम है जो हमने दो क्वेश्चन किए उसके तरह ही दो क्वेश्चन है आपको अच्छे से घर के होमवर्क में करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।